हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीबीसी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है जीडीएमओ और मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 61 यहाँ पर मेडिकल कैरियर में वैकेंसीज है आपकी जीडीएमओ और मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है जीडीएमओ की, 20 टोटल वैकेंसीज हैं और क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है एमबीबीएस। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जनरल मेडिसिन में है, 25 टोटल वैकेंसीज हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन एमडी होनी चाहिए आपके पास या फिर डीएनबी इन मेडिकल जनरल मेडिसिन में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जनरल सर्जरी में है, 7 वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन में एमएस या फिर डीएनबी इन जनरल सर्जरी में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी एनेस्थीसिया में है, 5 वैकेंसीज हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन एमडी होनी चाहिए या फिर डीएनबी या फिर एमबीबीएस विद पीजी डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी रेडियोलॉजिस्ट की है, 4 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन में एमडी डीएनबी और एमबीबीएस विद पीजी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस यहाँ रखा गया है वो रखा गया है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमबीबीएस की प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस आफ्टर एमबीबीए होना चाहिए आपका। इंटर्नशिप को यहाँ पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए, उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस आफ्टर एमडी एमएस डीएनबी, और अगर आप फ्रेश एमडी एमएस डीएनबी हैं तो और 2 ईयर का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीट एमबीबीएस प्लस पीजी डिप्लोमा इन रेलिवेंट स्पेशलिस्ट। अगर यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें तो 37 आपकी मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ रखी गई है। जो वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे जीडीएमओ की 20 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। जनरल मेडिसिन में आपकी 25 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 5 वैकेंसी ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। जनरल सर्जरी में आपकी 7 वैकेंसीज हैं जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एनेस्थीसिया में आपकी 5 टोटल वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। रेडियोलॉजिस्ट में 4 टोटल वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है इस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, career.ntpc.co.in या फिर आप www.ntpc.co.in पर जाकर भी जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस यहाँ रखी गई है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 300 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी है, 300 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड से आप दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट जो है वो है 24 जनवरी तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 जनवरी 2024 जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 10 जनवरी 2024 से। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।